नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू कुमार। आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक गुरुकुल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल्स के बारे में, जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर कुछ हम लोग ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर आएंगे जो कि अगर अपने डायरेक्शन में जाते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो आते हैं डायरेक्ट निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो जैसा कि आज हम लोग आज की अगर बात करते हैं तो एक तो बहुत ही बड़ी आज फॉल देखने को मिली है मार्केट में, चाहे वो कोई सा भी इंडेक्स हो, सभी में एक फॉल देखने को मिला है। और अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग इसने 350 पॉइंट का इसने फॉल दिखाया था सिंगल डे के अंदर। एंड में करते करते लगभग 333 पॉइंट माइनस में, मतलब नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। बात करें तो जो प्रीवियस वीडियो आपके साथ शेयर किया गया था उसमें हमने आपके साथ अपना व्यू शेयर किया था कि निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी हमें स्ट्रांग लग रहा है। आज हुआ क्या है, जो लास्ट जो उम्मीद बचती है अपना बुल्स के लिए, वहीं से निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसको ब्रेक कर दिया था। लास्ट में जो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सहारा दिया, उस वजह से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग मिली है और इसको ब्रेक नहीं किया इसने। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें, अगर इसको ब्रेक करने में सक्षम रह जाती है, मतलब 21,230 का लेवल हो जाएगा। लेकिन आज के लो को हम लोग काउंट करके चलेंगे क्योंकि बाइंग तो वहां से भी आई है। तो आज का जो लो था वो था 21,192 का। अगर 21,190 के नीचे सस्टेन कर जाती है तो अपने को बड़े डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि एक बिकवाली का सुनामी आ सकता है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि आज के गिरावट को देख के हम आज के गिरावट को इतने लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। लेकिन हमें बेरीज तभी होना है जब आज के लो को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर दे। अगर यहाँ पे ब्रेक कर जाता है तो वो अपने को डाउनसाइड के अंदर टारगेट मिल सकते हैं 21,000, उसके बाद सीधा 20,900 और हो सकता है अपने को लगभग 20,700 के लेवल भी दिख जाए। और किसी प्रकार से कोई नेगेटिव न्यूज भी अगर वर्क कर जाती है तब आने वाले टाइम में अपने को 20,200 के लेवल भी आता वो दिख सकता है। क्योंकि आज की गिरावट को हम लोग उतना लाइटली नहीं ले सकते। यहां तो हमने लाइटली इसलिए ले लिया था क्योंकि अपने पास एक डिमांड जोन था, दो दो डिमांड जोन थे वो रोकने के लिए थे और वहां से इन्होंने अपना काम तो कर दिया है। लेकिन अब रोकने के लिए उतना ज्यादा कोई परफेक्ट लेवल नहीं बचा है, चाहे हम लोग बात करें निफ्टी की या फिर बात करें बैंक निफ्टी की। तो थोड़ा सा अब सचेत होकर ट्रेड करना है क्योंकि अगर हम लोग HDFC की बात करें तो HDFC ने आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन ब्रेकडाउन दिया है। और कुछ अच्छे खासे जो स्टॉक्स हैं उन्होंने भी गैप, मतलब अपना एक ब्रेकडाउन दिया है। तो थोड़ा सा सचेत रह के ट्रेडिंग करने में ज्यादा अपना भलाई होने वाला है। बात करते हैं आज के कल के लिए लेवल्स के बारे में। तो कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सॉरी, जब मार्केट ने आज ओपन किया था तो गैप अप ओपन के साथ में आज मार्केट ने जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था वहीं पे इसकी ओपनिंग होती है और वहीं से एक फॉल देखने को मिलता है। और इस फॉल को हमने अच्छे खासे आज एंजॉय किया है। ये थोड़ा अच्छी बात है कि हमने फालतू के ट्रेड आज जनरेट नहीं करे, आज मार्केट में हम लोग ट्रैप नहीं हुए। रीजन क्या था, रीजन आपके साथ समझाऊंगा। अगर आप लोग समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा कि आपको कुछ हमारी वीडियो से सीखने को मिले। और अगर आपको सच में कुछ हमारी वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी भी एक मौका है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं समझाता हूं क्या रीजन था कि हमने यहां पर पुट जनरेट किया। यहां बार बार मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, फिर यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने अपना लो को इसने ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे होने वाला था। मार्केट ने यहां पर लो को ब्रेक करके ऊपर चली गई। ये तो ऊपर जा रही थी लेकिन बैंक निफ्टी यहां पे कंटिन्यूअस डाउनफॉल देते जा रही थी। तब हमें पता चल गया कि यहां पे एक रैप होने वाला है। हमारा टारगेट यहां तक का था, यहां पे प्राइस आई और ऐसा कोई भी रिवर्सल का इसने फॉर्म स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं किया जो मार्केट ऊपर जाए, फिर यहां पर सपोर्ट के पास आई। इतनी बड़ी सेलिंग थी, कुछ भी आज देखने को नहीं मिला। यहां तक कि ये जो सपोर्ट लास्ट टाइम जहां से रिकवरी आई थी वो भी यहां पे कुछ सेलिंग को नहीं रोक पाई और यहां पे गैप डाउन हो गया। और जो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है ये क्लोजिंग थोड़ी डराने वाली है क्योंकि यहां पे क्या किया इसने, ब्रेकडाउन, यहां पे एक सप्लाई जोन इसने क्रिएट किया है और सप्लाई जोन के पास ही इसने क्लोजिंग दे दी है। मतलब अगर किसी प्रकार से अगर अमेरिकन मार्केट अगर सपोर्ट नहीं करती है अपने इंडियन मार्केट को तो अपने को सीधा एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है और जो बड़ा गैप डाउन हो सकता है, इसीलिए हमने आपके साथ शेयर किया था।
कि अगर आप लोग ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो एक बार बुक कर ले, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर काफी ज्यादा रिस्क हो जाते हैं आज के टाइम में। और अभी के टाइम में ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, उन सभी के आईवी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। आईवी इंक्रीज होने से क्या हुआ है कि जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे काफी एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। मतलब जो ऑप्शन लगभग 20,000 25,000 के अंदर आ जाना चाहिए था, वो 30,000 35,000 में मिल रहे हैं हमें। तो इसलिए हमने बोला था कि अगर आपको इतना प्रॉफिट चलता है, ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है फालतू का, एक बार बुक कर दिए और निकल लिए। यहाँ ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की, बात करते हैं कि कल के लिए कौन से रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं लेवल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये लेवल्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लेवल्स थोड़े से बड़े निकल के आएंगे, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, या तो आप इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, हो सकता है यहाँ से गिर जाए या फिर यहीं से गिर जाए, तो इसलिए हम दोनों को पकड़ के चल रहे हैं। तो पहला लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए, जो रेजिस्टेंस होगा 21,430 से लेकर 21,340 का जो लेवल होगा, पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है निफ्टी के लिए। अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस है, और इसको क्रॉस करना अभी थोड़ा सा टफ होने वाला है निफ्टी के लिए। तो ये लेवल होगा अपना 21,580 से लेकर 21,530 का लेवल होगा, जो सेकेंड रेजिस्टेंस होने वाला है। बाकी थर्ड के रेजिस्टेंस के लिए अगर इतनी बड़ी मूव आती भी है मार्केट के अंदर, तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में आपके साथ जरूर अपडेट करेंगे। तो आप लोग अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से आप लिंक के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जो भी रिसर्च होती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। तो पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। बात करें तो मार्केट ने भी क्लोजिंग ही दिया है अपने रेजिस्टेंस के पास में, तो इसके लिए क्या करना है कि अगर मार्केट को कल गैप अप होता है तब जाके कुछ उम्मीदें बढ़ेंगी, नहीं तो अगर आज के लोगों ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो अपने को बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो प्लीज आज के डाउनफॉल को आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। तो बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, सपोर्ट कहाँ निकल के आते हैं। सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो सपोर्ट लेवल जो अपने निकल के आ रहे हैं वो सपोर्ट लेवल होने वाला है यहाँ पे, जो सपोर्ट लेवल अपना निकल के आएगा वो होगा ये 21,080 से लेकर 21,080 से लेकर 20,980 का रेंज। मतलब ये लगभग 100 पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है वो निफ्टी के लिए सपोर्ट निकल के आता है। और उसके नीचे और भी अच्छे खासे डाउनफॉल देखने को मिल जाएंगे, जो हम लोग टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमने जो कुछ दिनों से एक मार्केट का व्यू, हम जब भी हमें कुछ लगता है कि बड़ा होने वाला है, आपके साथ वीडियो के थ्रू हम लोग जो 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड के क्लिप के साथ में आपके साथ हम लोग वीडियो शेयर कर देते हैं। तो इसी की तरीके की अगर आपको और भी मोटिवेट आपको और कर सकते हैं आप हमें, ताकि हम आपके साथ और भी सारे लेवल्स को आपके साथ कवर अप कर पाए, तो उसके लिए फटाफट सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, बाकी सारा जो हम काम करते हैं आपके साथ करते रहेंगे। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। एक बार आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में और बैंक निफ्टी क्या बोलता है। एक बार बैंक निफ्टी को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब यहाँ पे चार्ट को देखेंगे बैंक निफ्टी को, वो आज अच्छा खासा जो डाउनफॉल दिया है वो निफ्टी की वजह से मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी आज अपने हिसाब से, मतलब क्योंकि बड़ा इंडेक्स है तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, तो लगभग 1,050 के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला, और ये एक इसने गैप फिल कर दिया है। अब यहाँ पे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपोर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ये जानना जरूरी हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर पहला रेजिस्टेंस की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो अपना पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है ये वाला रेंज, जो रेंज होगा 45,400 से लेकर 45,240 का रेंज होगा। ये पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए। बात करें अगर अगले रेजिस्टेंस की, तो अपना अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है ये रेंज, जो कि 45,780 से लेकर 45,650 का रेंज होने वाला है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस के काम करेंगे, अब इन दोनों को मर्ज करना होगा, इन दोनों को मर्ज करना होगा, क्योंकि यहां से जो हमने एक बार आपके साथ शेयर किया था कि यहां से भी गिरावट आ सकती है अगर बाकी इंडेक्स ने साथ दिया, तो वही हुआ है कि निफ्टी ने अच्छा खासा डाउनफॉल दे दिया, तो यहां से बैंक निफ्टी ने भी यहां पे गिरती चली गई। तो अब इन दोनों को मर्ज करना होगा, तो ये रेंज निकल के आता है थोड़ा सा बड़ा होगा, 47,200 से लेकर 46,550 का जो लेवल होगा वो बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है।
अगर इसके ऊपर जाती है 47,270 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तभी अपने को दोबारा से बुल रन देखने को मिल सकता है, नहीं तो छोटे छोटे अपसाइड आते रहेंगे उसके बाद नीचे गिरते रहेंगे। बात करें सपोर्ट लेवल की तो सपोर्ट लेवल जो अपना होने वाला है वो सपोर्ट लेवल अपना निकल के आता है यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो ये गैप फिलिंग होता हुआ दिखा है अपने को, तो ये अपना एक सपोर्ट निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए जो रेंज होने वाला है अपना 44,950 से लेकर 44,750 का, मतलब ये जो 200 पॉइंट का जो रेंज होने वाला है वो बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बाकी उसके नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये अपना सपोर्ट का रेंज निकल के आता है 44,400 से लेकर 44,250 का रेंज। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है, ऐसा लगता है कि ये बोरिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि लेवल्स में कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो फिर निफ्टी की बात करेंगे, बीच में आते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर जो कि क्या डायरेक्शन में मूव दे सकते हैं, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेकिन एक बार और ध्यान रख के चलना है कि अगर हम लोग RSI की बात करें तो RSI काफी लोअर हो चुका है। अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग आते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे RSI हो चुका है 26, और वहीं पे देखें तो वही मतलब RSI काफी लोअर जा चुका है, चाहे वो निफ्टी की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की बात करें या फिर फिन निफ्टी की बात करें। यही एक लास्ट होप बचती है अपने रिकवरी की कि दोबारा से शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो ज्यादा बेटर है। अब सीधा हम लोग आते हैं स्टॉक्स के ऊपर जो पहले अपने रडार पे होने वाला है, ये है अपना इंडसइंड बैंक जिसने आज एकदम हद कर दिया, एकदम इतनी गिरावट आई है, इतनी गिरावट आई है कि मतलब संभले से नहीं संभला है बैंक निफ्टी, जिसका पहले से ही जिसका दुश्मन था HDFC बैंक यहाँ पे सपोर्ट कर दिया है, HDFC बैंक का दोस्त बनाए आज इंडसइंड बैंक जिसने लगभग 7% का डाउन दिया है सिंगल डे के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी ट्रेड आपको लेना है इंडसइंड बैंक में तो ये लेवल निकल के आता है 1417, मतलब 1417 बोले या फिर 1415 बोले, 1415 से लेकर 1390 का जो लेवल होगा वो एक बार यहां से मुझे लगता है कि रिकवरी आनी चाहिए क्योंकि अब RSI का सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे, और ये लास्ट जो सपोर्ट बनता है इंडसइंड बैंक का उसका भी सपोर्ट मिलना चाहिए, तो यहां से एक रिकवरी आनी चाहिए और कुछ भी यहां से मूव आना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एक मूव तो आनी ही चाहिए क्योंकि हमने यहां के आसपास बोला था, लेकिन हमने यहां पे एक ट्रेड आज जनरेट किया था, कोई हाइड करने की बात नहीं है, ट्रेड हमने एक यहां जनरेट किया था, लेकिन जब हमने देखा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है लेकिन निफ्टी सब कुछ ब्रेक करता हुआ जा रहा है, हमने फटाफट उसे एग्जिट करवाया, और उस समय जब हमने रिप्लाई किया था तो कॉस्ट पे ही था, मतलब कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ था, कॉस्ट पे ही था। लेकिन हो सकता है किसी ने एग्जिट करते करते जब उसका एक पॉइंट नीचे हो गया हो, मतलब 500-600 का लॉस हुआ होगा, तो ये लेवल ध्यान में रखकर चलना है इंडसइंड बैंक के अंदर। बात करते हैं अगले लेवल्स के, अगले स्टॉक के बारे में, तो ये अपना होने वाला है SCI। SCI का हम लोग आज भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे कल भी किया था, आज इसने अच्छा खासा रिकवरी दे दिया था, मतलब कल भी हमने यहाँ के आसपास जब ये क्लोजिंग मिली थी तभी शेयर किया था, और आज अगर स्टॉक की बात करें तो आज इसने हाई बनाया दिया था 202 का, और जबकि कल की इसकी क्लोजिंग थी 183 की। अब यहाँ पे क्या दूसरा बनता है कि जब इसने क्लोजिंग दिया था या किसने डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट कर दिया था, तो यहाँ पे लेवल बनता है 171 से लेकर 170 का रेंज होगा जहां पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए मैं रख सकता हूँ 162 या फिर ज्यादा बेटर होगा 160 का स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे इसको अपने रडार में रख के चलना है, मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बात करते हैं झील की, तो झील ने भी आज मार्केट में तहलका मचा के छोड़ दिया क्योंकि आज आपको पता होगा कि झील के लिए तो हमने आपके साथ मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था कि इसके अंदर थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि इसका न्यूज भी चल रहा था कि इसका जो सोनी के साथ मर्जर था वो कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तो एक थोड़ा सा छोटा सा अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट निकल के आता है जहां पे वीकली का और मंथली का डिमांड जोन भी होने वाला है, तो एक स्टॉप लॉस अगर आप लोग यहां तक होल्ड कर सकते हैं 130 या फिर 132 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी यहां पे ऐड ऑन किया जा सकता है, कुछ क्वांटिटी 140 के आसपास ऐड ऑन किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हमें ध्यान में रखे चलना है 132 से 130 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे, एटलीस्ट डेली क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि अगर हम लोग आज की बात करते हैं तो अपना आज जील की बात करें तो लगभग इसने 32% का डाउनफॉल दिखाया है, और RSI की बात करें तो 18 जा चुका है, तो एक रिकवरी इसके अंदर आनी चाहिए।
लेकिन रिकवरी का मतलब ये नहीं कि हमने इसके अंदर ऑप्शन बाय कर लिया। ऑप्शन इतनी आसानी से अब मूव नहीं करेगा क्योंकि बड़ी सेलिंग आई है इसके अंदर, कुछ लंबा टाइम इसको यहाँ पे स्पेंड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होने के चांसेस है। लेकिन अभी कोई इसके अंदर ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कंसोलिडेट यहाँ पे होने की उम्मीद है झील के अंदर। ये अपना लेवल निकल के आ गया झील का। फिर बात करते हैं अपना आईसीए प्रोडेंशियल का। इसका मैं आपके साथ बस एक ट्रेड शेयर करना चाहूंगा ऑप्शन बाइंग में, जो कि पुट का शेयर होने वाला है। एक मैं लेवल को यहाँ पे डिस्कस करूं, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सभी के साथ में कि इस वीडियो में बताया गया सारे लेवल जस्ट एजुकेशनल पर्पस है। कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने से पहले एक बार खुद को रिसर्च जरूर कर लें। तो यहाँ पे हम देखें कि आईसीए प्रोडेंशियल का हमने चार्ट ओपन कर रखा है। कोई भी इसके अंदर गैप अप या फिर कोई भी अपसाइड देखने को मिले और ये 513, 514, 517 के लेवल अगर ये हिट करता हुआ दिखे तो एक स्टॉप लॉस हमें रख देना है 525, 528 का, और इसके अंदर एक पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है आईसीए पोटेंशियल में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। क्यों, रीजन क्या है? एक बड़ा यहाँ से गैप डाउन अपने को, मतलब बड़ा एक यहाँ से ब्रेकडाउन अपने को देखने को मिला है और वो इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करने देगा, क्योंकि कोई भी अच्छा खासा डिमांड जोन अभी नजर नहीं आ रहा है। डिमांड जोन के लिए बात करें तो 438 या फिर बेटर होगा 430 के आसपास का। तो यहाँ पे कोई भी अगर अपसाइड देखने को मिले तो अपने रडार में रख के चलना, लेकिन ये सिर्फ 2-3 दिन तक ही रहेगा। अगर 2-3 दिन में अगर मिल गया फिर से लपक लेना पुट के साइड में, स्टॉप लॉस अपने ऊपर वाले लेवल्स को हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो हमने यहाँ के आसपास ट्रेड किया था, थोड़ा सा मूव दिखाया था ऑप्शन में, एक बार इसने टारगेट भी कंप्लीट कर दिया था और ऑप्शन से हम लोग एग्जिट भी कर गए थे। बट जो कैश में थे, कैश में एक अच्छी खासी मूव आ नहीं पाई, अच्छी खासी मूव नहीं आ पाई। मतलब एक बार हमने 916 911 के आसपास हमने शेयर किया था, तो 919 किया था, कोई टारगेट हम लोग नहीं बोल सकते कि अचीव हो गया है। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया है और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है पहले से, जिनकी पुरानी पोजिशन पड़ी हुई है लोअर लेवल से, अगर उनका कोई व्यू जानना है तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट उम्मीद होगी 570 का, क्योंकि यहां से गिरने के बाद एक अच्छे खासे डिमांड जोन में आ चुका है जहां से पूरी बड़ी रैली यहां से की जनरेट हुई है। तो ये जो अपना डिमांड जोन है ये लास्ट उम्मीद बचता है यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ के लिए। 570 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे, 570 अगर ब्रेक करके क्लोज हो जाए फटाफट एग्जिट कर जाएगा एचडीएफसी लाइफ से। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें, कंटिन्यूअस इसके अंदर सेलिंग बरकरार है। बात करें ठीक ठाक से डिमांड जोन की, तो यहाँ पे डिमांड जोन निकल के आता है 7890 से लेकर 7790 या फिर 7800 का जो लेवल होगा वो डिमांड जोन निकल के आता है। यहां से रिस्पेक्ट करना चाहिए इस डिमांड जोन को। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है और अगर 7790 के नीचे, 7780 के नीचे अगर ये किसी प्रकार से क्लोज हो जाता है, एटलीस्ट वीकली पे क्लोज हो जाता है, तब अपने को बजाज फाइनेंस ध्यान रखना, बहुत बड़ा करेक्शन दिखाता हुआ दिख सकता है, जो कि सीधे 5950 से लेकर 56 या फिर 5500 तक भी दिख सकता है। तो ध्यान में रखते चलना कि अगर ये इसके नीचे क्लोज हो गया, बैंक निफ्टी के तो बैंड बजनी फिक्स है, क्योंकि इसी के साथ में आपको थोड़ा सा आपके स्टडी में अगर इंप्रूवमेंट हो तो एक और मैं चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आज का बैंक बना है एचडीएफसी बैंक का। आज वीडियो हम लोग इसलिए थोड़ा जल्दी अपलोड कर रहे हैं और थोड़ा मैं आज आपको डेप्थ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को आराम से देखिए, और सीखने को अगर हमारी वीडियो से कुछ मिल रहा है तो मैं इस चीज को काफी लकी मानूंगा कि हमारे जो भी स्टडी आपके काम आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एचडीएफसी का जो रेंज चल रहा था 25 अक्टूबर 2022 से, उसको आज फाइनली इसने क्लोजिंग करके ब्रेक कर दिया है। और अगर ये किसी प्रकार से नहीं संभलता है तो आने वाले टाइम में एचडीएफसी के अंदर अपने को लगभग ये लेवल देखने को मिलेंगे 1200 और 1050 के लेवल भी दिख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी पोजीशन है अपने अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ट्रेड बनाना है, और ये मत समझना कि इसके अंदर बाइंग आ रही है बाइंग आ रही है। ध्यान रखना एक छोटा सा डिमांड जोन ये दिखता है, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, जब तक 1500 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करेगा, कोई भी बुलिशनेस इसके अंदर नहीं आने वाला है। लास्ट होप ये दिखता है क्योंकि डिमांड जोन है और ये रिस्पेक्ट करना चाहिए,
क्योंकि आरएसआई भी काफी ज्यादा लोअर हो चुका है, 22 का आरएसआई हो चुका है, तो आरएसआई इस पर एक बार इफेक्ट दिखाएगा, तो इसको अपने रडार में रख के चलना है। कोई भी बड़ी पोजीशन अगर होल्ड कर रखी है तो स्टॉप लॉस जरूर रख के चलना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद करके छोड़ देगा एचडीएफसी बैंक। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है नवीन फ्लोरिन का। नवीन फ्लोरिन में दो तरीके के ट्रेड निकल रहे हैं, अगर मार्केट नीचे जाती है और आज के लो को अगर किसी प्रकार से ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि नवीन फ्लोरिन के लिए ये लास्ट होप बन रही है कि बाइंग करना है या फिर नहीं करना है। तो ध्यान में रखकर चलना, अगर आज का लो ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड के अंदर ट्रेड बनेगी और 5 मिनट या फिर 15 मिनट का रेजिस्टेंस ढूंढ के उसके अकॉर्डिंग आप लगे पुट में जनरेट कर सकते हो ट्रेड। बाकी अगर किसी प्रकार से इसमें गैप अप हो जाता है और आपको ये अगर 3550, 3546 या फिर 3600 के लेवल भी हिट करता हुआ दिख जाए, एक स्टॉप लॉस रख देना 3640 का, मतलब अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख देना, या फिर यहाँ से रिएक्ट करके मतलब यहाँ पे हिट करके इस प्रकार की कैंडल बनाने लग जाए, मतलब ऊपर से रिजेक्शन आने लग जाए, मतलब आपको पता चल जाए कि ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख देना जो होगा 3575 का, और फिर इसमें दोबारा से एक डाउनसाइड की ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। तो नवीन फ्लोरिन आपको ध्यान में रख के चलना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है पीएफसी। पीएफसी में क्या है कि इसने दोबारा से इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद एक डिमांड जोन में आज परफेक्ट एंट्री मिली है, एंट्री मिलने के बाद आज अच्छा खासा रिजेक्शन भी मिला है, और हमने जो ऑप्शन जनरेट किया था आपके साथ में उसके अंदर लगभग 1.10 रुपए के आसपास मिल गए हैं, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे भी तो लगभग 4,3800 तो बन ही गए हैं, क्योंकि जब हमने वो जनरेट किया था उसके बाद प्राइस एक बार नीचे भी गई थी, तो इतना स्टॉप लॉस तो बनता है 377 का, लेकिन हमें जो लोअर लेवल पर जिन्होंने बाय कर रखा है उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 365 का। 365 ब्रेक करके अगर क्लोज हो जाए तो एग्जिट कर जाना मार्केट के साथ, इसके अंदर भी बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि आज ये सारे लेवल्स में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की जो गिरावट है उसे इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने आज के मार्केट को काफी लाइट ले लिया तो आपके पूरे पोर्टफोलियो काफी लाइट बना के छोड़ देगा वो। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना होने वाला है ये अगला स्टॉक होगा आइडिया। आइडिया की अगर बात करें तो एक इसका सपोर्ट बनता है इस रेंज में जो होगा 13.50 रुपए से 12.60 रुपए का, यहां से दोबारा से बाइंग आनी चाहिए, अगर नहीं आती है किसी प्रकार से तो 12.50 रुपए के नीचे अगर सस्टेन करता है तो अपने को दोबारा से लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं जो कि 11 रुपए और 10 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है। रीजन क्या है कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे पाएंगे कि इसने मंथली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट किया है, तो मंथली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट किया है तो वो अपना रिएक्शन तो दिखाएगा ही, क्योंकि कोई अच्छा खासा डिमांड जोन मुझे लग नहीं रहा इतनी आसानी से भी रोकने वाला आइडिया को, तो आइडिया के लिए थोड़ा संभल के रहना है कि अभी आप SIP करने की सोच रहे हैं तो एक बार सही से इसके अंदर कंसोलिडेट हो जाने दीजिए, क्योंकि बड़ी रैली इसके अंदर आई है तो एक बार डाउनफॉल आके उसके बाद कंसोलिडेट हो जाए तब दोबारा इसके अंदर पोजीशन बनाना बेटर होगा। अगर कोई लोअर लेवल पे बाय करके बैठे पड़े हैं तो 12.50 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए क्लोजिंग बेसिस पे, उसको नीचे जाता है तो फटाफट एग्जिट कर मारिए। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला और लास्ट स्टॉक होने वाला है बंधन बैंक। बंधन बैंक की बात करेंगे अगर तो इसका रिजल्ट शायद आज आने वाला है, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट किसी प्रकार से अगर ठीक ठाक आता है तो कोई बात नहीं, अगर खराब आता है तो ये लेवल अपने को ध्यान में रख के चलना है 214-215 का स्टॉप लॉस इसमें अपना हो जाएगा 210-208 का। बाइंग लपक के नहीं करनी है, बाइंग करनी है जब इसके अंदर रिजेक्शन आने लग जाए नीचे की तरफ से, मतलब बाइंग आने लग जाए तब, क्योंकि रिजल्ट वाला स्टॉक है कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे वाले लेवल से चल जाए, क्योंकि इसके नीचे जो लेवल है वो काफी अच्छा खासा लेवल है, तो जो नीचे वाला लेवल अपना निकल के आता है वो ये वाला लेवल होने वाला है जो बंधन बैंक में होगा 190 से लेकर 180 का रेंज होगा, जहां पे स्टॉप लॉस हम लोग 180-178 का रख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको मिले तब यहाँ इस लेवल को लपकने वाला लेवल है ये, तो ये अपने को रडार में रख चलना है। बंधन बैंक भी जो लास्ट में हमने बोला था कि वीडियो बोरिंग हो रही है तो एक बार फिन निफ्टी को अब डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हमने दोनों इंडेक्स तो कर लिए थे, फिर निफ्टी का हमने देखा है तो इसने लगभग अपने डिमांड जोन में एंट्री दे दी है, अब इस रेंज को हम लोग एक डिमांड जोन में कंसीडर कर सकते हैं, जो रेंज होने वाला है 20,090 से लेकर 19,900 का जो रेंज होगा वो एक डिमांड जोन होगा,
निफ्टी के लिए बात करें, अगर कल के लिए जो लेवल्स होंगे, कल के लिए लेवल्स की अगर बात करें, तो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है अपना फिन निफ्टी के अंदर, जो रेंज होने वाला है अपना ये वाला, जो कि 20,490 से लेकर 20,380 का रेंज होगा, जो कि पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके ऊपर अगर फिन निफ्टी जाती है तब अपने को एक दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकता है इस वाले रेंज से जिसको हम लोग ऊपर वाले से मर्ज करेंगे, जैसा हमने बैंक निफ्टी में किया था 21,000 से लेकर 20,650 का रेंज होगा। मतलब इन दोनों से एक बार सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो एक बार आप ऐसे कर सकते हैं कि एक यहां मार कर लिया, एक यहां मार कर लिया, और जैसा कि हुआ वह है निफ्टी के अंदर, वैसे ही सेम फिन निफ्टी में भी हुआ है। इसने भी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दी है। तो अगर डाउ जोन्स ठीक ठाक से क्लोज होता है तभी अपने को अपसाइड में अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, अदरवाइज अपने को अपसाइड में देखने को नहीं मिल सकते। बुलिश समय तभी होना है जब 20,280 को ट्रेड करता हुआ दिख जाए। तो जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय डाउ जोन्स की अभी शुरुआत तो नहीं हुई है, क्योंकि अभी 7:20 ही हो रहे हैं। डो फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा है 20 पॉइंट नेगेटिव में, और जब हमने वीडियो शुरू किया था उस समय अपना डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था 70 पॉइंट नेगेटिव में। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो कल के लिए मार्केट के लेवल्स के ऊपर। होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, आपकी किसी भी हेल्प, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस।